समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। नोएडा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। जातीय जनगणना पर छूट भैया नेता ने बोले कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा आगे करती है। जातीय जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के शासनकाल 1931 में हुई थी। इसके बाद जनता की मांग पर मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने कांग्रेस सरकार में प्रयास किया था। आज सबसे जरूरी जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जातीय जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के जमाने में 1931, और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है और कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और इधर अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जागरूक लोग समाज के वो आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के जो हम जनता को सुविधा जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो योजनाएं जारी करना चाहते हैं उससे मदद नहीं मिल पाएगी।